Assalamu alaikum students, I am your science teacher Miss Sobia. Today we learn about chapter Our Earth. Introduction of the lesson. Earth is the planet we live on. It is the third planet from the sun. It is the only planet known to have life on it. Our Earth is like a round ball. The Earth is made up of land and water and is surrounded by air. Our houses are built on land. There are different types of land. There are plains, hills, mountains, valleys, forests, and deserts. Now start the chapter with this warm-up activity. Fill in the missing letters and write the names of the things shown with an arrow in the picture. आपने एरो की मदद से जिन चीज़ों पे एरो मार्क किया गया है उसकी मदद से आपने क्या करना है, मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है. जो लेटर्स बीच में नहीं लिखे हैं उनको आपने मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है. फर्स्ट पिक्चर जो है वो है क्लाउड की, जिस पे एरो दिया गया है, और उसकी स्पेलिंग को आपने इन बॉक्सेस पे कंप्लीट करना है. सेकेंड पिक्चर है फॉरेस्ट की, थर्ड पिक्चर है रॉक की, फोर्थ स्नो, माउंटेन, रिवर, स्काई एंड सन. नाउ फर्स्ट लाइन, अर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अर्थ दो चीज़ों से मिलके बना है. किन दो चीज़ों से? लैंड एंड वाटर. इन सम प्लेसेस द अर्थ इज फ्लैट एंड प्लेन, इन अदर प्लेसेस इट इज रेज्ड. कुछ प्लेसेस में अर्थ जो है वो फ्लैट और प्लेन है, और कुछ प्लेसेस में ऊंचा है अर्थ जो है. इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस देयर इज वाटर, और बहुत सारी जगहों पे, मतलब ज़्यादातर जो है अर्थ में वो क्या है, वाटर. ऑल अराउंड द अर्थ देयर इज एयर, और अर्थ की हर जगह और आसपास क्या है, एयर. फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड लाइन इज अर अर्थ हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड. इट हैज़ प्लेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, हिल्स, माउंटेन्स एंड वैलीज. अर्थ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अकसाम हैं. कौन कौन सी हैं? प्लेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, हिल्स, माउंटेन्स एंड वैलीज. प्लेन्स, प्लेन्स आर वास्ट एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड. मैनी different kinds of crops can be grown here. Many people live here. Most cities, towns and villages are built in the plains. According to the season, it is hot or cold in the plains. जो plain है, एक flat land का वसी area होता है. मुख्तलिफ किस्म की फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो plain areas में रहते हैं. ज़्यादातर सिटीज़, विलेजेस और टाउन जो हैं वो प्लेन एरिया में होते हैं, और सीज़न के लिहाज से ये या तो बहुत गर्म इलाका होता है या तो बहुत ठंडा एरिया होता है. फॉरेस्ट, इन सम प्लेसेस लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग क्लोज टू वन अनदर. दीज फॉर्म फॉरेस्ट. लार्ज नंबर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कैसे बनता है? मुख्तलिफ किस्म के दरख्त एक साथ बढ़ते हैं, और उसको वो किसकी शक्ल अख्तियार करते हैं, फॉरेस्ट की. और बहुत सारे जानवर जो हैं वो यहाँ रहते हैं. जो जंगल में जानवर रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. डे बाय डे द फॉरेस्ट आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. दिस इज बिकॉज पीपल आर कटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज. दे शुड नॉट डू दिस एज ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस. दिन ब दिन क्या हो रहा है, दरख्त कम होते जा रहे हैं. क्यों फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं? क्योंकि दरख्त जो हैं वो ट्रीज जो हैं उनकी कटिंग कर रहे हैं लोग, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कम होता जा रहा है फॉरेस्ट. डेजर्ट्स, द लैंड इन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी ड्राई. इट इज़ कवर्ड विथ सैंड. जो लैंड जो है डेजर्ट, कौन सा एरिया होता है जब बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और पूरा जो है वो किससे ढका हुआ होता है, मिट्टी से, सैंड से.
सच अ प्लेस इज कॉल्ड अ डेजर्ट, और ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? डेजर्ट. डेजर्ट्स हैव वेरी लिटिल रेन एंड वाटर, बहुत कम बारिशें होती हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से पानी बहुत कम होता है यहाँ पर. ओनली अ फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो इन दीज प्लेसेस, और यहाँ पर प्लांट भी जो है वो बहुत कम होते हैं. अ फ्यू एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड आर फाउंड हेयर, वेरी फ्यू पीपल लिव इन द डेजर्ट. बहुत कम एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं. वो कौन सा एनिमल है जो डेजर्ट में होता है? कैमल. और लोग भी यहाँ पर बहुत कम होते हैं. कोस्ट. द लैंड एरियाज नियर द सी आर कॉल्ड कोस्ट. देयर आर सैंडी बीच नियर मैनी कोस्ट. मैनी पीपल लिव इन कोस्टल एरियाज. कोस्ट एरिया कौन कहाँ होता है? सी के करीब का एरिया होता है, और बहुत सारा रेतीला मतलब सैंडी एरिया होता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं. कोकोनट ट्रीज ग्रो वेरी वेल इन कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज आर वार्म एंड द एयर इज ह्यूमिड. इट मेक्स पीपल स्वेट अ लॉट. कोकोनट ट्री कहाँ ग्रो अप होता है? कोस्टल एरिया में होता है, और कोस्टल एरिया की जो हवा है वो गीली होती है और गर्म होती है, और जिसकी वजह से लोगों को स्वेटिंग बहुत होती है, मतलब पसीना बहुत आता है. पोलर रीजन्स. इन द पोलर रीजन्स द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद लॉट्स ऑफ स्नो एंड आइस. वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन दीज एरिया. पोलर रीजन कौन सा एरिया है जो बहुत सारा स्नो और आइस से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, और बहुत कम प्लांट यहाँ पर ग्रो अप होते हैं. ओनली अ फ्यू एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स एंड सील्स कैन लिव इन दीज वेरी कोल्ड प्लेसेस. प्लांट बहुत कम होते हैं और एनिमल भी बहुत कम होते हैं, जैसे पोलर बियर इस एरिया में होता है, और सील जो है वो इस कोल्ड प्लेस में होता है. पीपल हु लिव इन द हाउसेस मेड ऑफ आइस स्लेब्स आर कॉल्ड एस्किमोस. जो पीपल यहाँ रहते हैं, जो आइस स्लेब से बना हुआ घर होता है उसमें रहते हैं, उन्हें हम एस्किमोस कहते हैं. हिल्स. अ हिल इज अ प्लेस विच इज बिगर देन द सराउंडिंग लैंड. हिली एरियाज आर जनरली कूल एंड प्लेजेंट. इट रेन्स वेरी ऑफन इन द हिल्स, सो द हाउसेस ऑन द हिल्स हैव स्लोपी रूफ्स टू लेट द रेन वाटर फ्लो अवे ईजीली. हिल एरिया इर्द गिर्द के एरिया से ऊँचा होता है, और आमतौर पर इसका जो वो है मौसम है वो ठंडा होता है. यहाँ पर अक्सर बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से इनके घरों की छतें जो हैं वो स्लोपी होती है, ताकि बारिश का पानी रूफ पे रुके ना और गिर जाए ईजीली. माउंटेन्स. माउंटेन्स आर मच बिगर देन हिल्स. माउंटेन जो है वो हिल्स से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. सम माउंटेन्स आर रॉकी, सम आर फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. कुछ जो माउंटेन्स हैं वो पथरीले होते हैं, कुछ जो हैं वो फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स होते हैं, जो भरे हुए होते हैं किससे? जंगल से और जानवरों से. सम वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. जो बहुत ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स हैं वो कवर्ड होते हैं किससे? स्नो से, बर्फ से. व्हेन स्नो मेल्ट्स वाटर स्टार्टेड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स. इन दिस वे अ रिवर इज फॉर्म्ड. जब वो जो स्नो है मेल्ट होती है तो क्या होता है, वो पानी की शक्ल इख्तियार करती है और फ्लो अप होती है किस तरफ? रिवर की तरफ जाती है, और रिवर की शक्ल इख्तियार कर लेती है. वैली. अ लार्ज नैरो एरिया ऑफ लो लैंड डेट लाइज बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स इज कॉल्ड अ वैली. वैलीज आर गुड फॉर फार्मिंग. जो छोटा सा एरिया होता है किसके बीच में? माउंटेन्स और हिल के बीच में जो छोटा सा एरिया होता है उसे हम वैली कहते हैं, और वैली में आमतौर पर फार्मिंग की जाती है. वाटर. अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज फिल्ड विद वाटर. वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. अर्थ का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो किससे कवर्ड है, किससे भरा हुआ है? वाटर से. वाटर जो है बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए एज अ लिविंग थिंग. मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द अर्थ इज सॉल्टी वाटर.
जो ज़्यादातर वाटर है अर्थ में वो है सॉल्टी नमकीन है। इट इज़ प्रेजेंट इन वास्ट क्वांटिटीज इन वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशन एंड सीज। और किसका पानी नमकीन है, सॉल्टी है? ओशन और सीज का। द फ्रेश वाटर डेट वी यूज इन प्रेजेंट एंड रिवर लेक्स स्ट्रीम्स एंड पाउंड्स। और फ्रेश वाटर किस किस में है? रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में और पाउंड्स में। अ लॉट ऑफ वाटर इज ऑल्सो स्टोर्ड एज आइस एंड स्नो। और वाटर और किस शक्ल में स्टोर है, जखीरा है? आइस और स्नो की शक्ल में। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। पानी जो है वो अंडर द ग्राउंड भी मौजूद है, ज़मीन के नीचे भी मौजूद है। आर अर्थ हैज़ मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स। वी शुड नॉट स्पॉइल द वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स अराउंड अस। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर अर्थ। अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें ख़राब ना करें, ठीक है? उनका ख्याल रखें, जैसे उसको जिस ज़ाया मत करें, जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, माउंटेन, ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी भी हैं और हमारे लिए बनाई गई हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इनका ख्याल रखें। नाउ एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज नंबर ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स आर कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 7। नाउ एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग। टास्क ऑन पेज नंबर 8, गेस हु आई एम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।